जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बुध के राशि परिवर्तन से जिन राशियों के विवाह के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। और यह जो जानकारी मैं आपको दूंगा वह ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दूंगा। बुध 18 दिनों के लिए जो है राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इन 18 दिनों में आपके लिए शुभ योग अवश्य बनेगा और आपको शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होगा। बुध जो है शुभ ग्रह है, इसके लिए शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे आपको। साथ ही बुध के ग्रह गोचर से जो है जिन चार राशि के जातकों के शुभ योग बनेगा उसकी जानकारी दूंगा। साथ ही उसके दो महीने में कैसे योग बन रहे हैं उसकी भी जानकारी दूंगा, अगले दो महीने में यानी कि नवरात्रि से लेकर नवम्बर के मध्य तक और दिवाली तक इन जातकों के सगाई होने के 100% योग बन रहे हैं इसकी जानकारी विस्तार से दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। अगर आप चैनल से संबंधित कोई भी जानकारी देना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 8521835670 है। आप अपनी सलाह अथवा परामर्श अवश्य दे। इसके अलावा अगर आप अपनी प्राथमिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, निजी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर जैसे मैंने आपको बताया है 8521835670 है, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बुध के राशि परिवर्तन से जिन राशि के जातकों की गाय और शादी के अगले दो महीने में योग बन रहे हैं की जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको 18 दिनों तक के लिए है और इन 18 दिनों में इनके लिए शुभ समाचार अवश्य ही प्राप्त हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, बात बन नहीं पा रही है, आपने कई प्रकार के ज्योतिष से सलाह ली फिर भी बात नहीं बनी है, तो एक बार आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें और अपनी विवाह संबंध की पूरी जानकारी ज्ञात कर लें। तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर विवाह संबंध की पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, इसके अलावा संतान योग, राज योग, भाग्य योग, भाव योग, महादशा, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। आप मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। अब तक 2000 से अधिक कुंडलियां बनाई गई हैं और उनमें जातकों को फायदा भी हुआ है, लाभ भी प्राप्त हुआ और सुखमय वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप केपी की वाणी से कुंडली मिलान भी करा सकते हैं, बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, नामकरण करा सकते हैं, सभी प्रकार की जानकारी आप केपी की वाणी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। वहीं अगर आप किसी प्रकार के दोष का निवारण कराना चाहते हैं तो भी आपको केपी की वाणी की तरफ से सुविधाएं दी जाएंगी। हालांकि हम लोग पूजन पाठ यह सब कार्यक्रम नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप कराना चाहते हैं तो आपको उचित प्रकांड पंडित से संपर्क करा कर जो है पूजन अवश्य करा देंगे। तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8521835670 पर। आइए मैं आपको बुध के राशि परिवर्तन से जिन चार राशि के जातकों के बारे में विवाह की है सगाई के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। पहले मैं आपको बुध के राशि परिवर्तन के बारे में बता देता हूं। तो बुध जो है राशि परिवर्तन करेगा, वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य की राशि के सूर्य की तरफ 19 अक्टूबर को जो है बुध राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान समय में बुध कन्या राशि में विराजमान है और 19 अक्टूबर को जो है कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। रात 1:16 पर ही जो है ये गोचर करेंगे 19 अक्टूबर को और तुला राशि की ही तरह सूर्य ग्रह की तरह, और फिर इसके बाद 18 दिनों तक ये तुला राशि में रहेंगे और फिर 6 नवंबर को ये संध्याकाल 4:25 पर जो है गोचर कर जाएंगे वृश्चिक राशि में। तो 18 दिनों के लिए जो है बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 18 दिनों के लिए जो है गोचर करेंगे ये तुला राशि में और इससे बुधादित्य योग भी का भी निर्माण हो रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बुध के बारे में बता देता हूं। तो बुध जो है मिथुन व कन्या राशि के स्वामी होते हैं, इनकी कृपा से ही जातक विद्वान होता है, उनकी तर्क क्षमता मजबूत होती है, संचार कौशल में वो बेहतर करता है। अगर आप मिथुन व कन्या राशि के जातक हैं तो बुध आपके जो है राशि स्वामी यानी कि बुध देव की आपकी पूजा करना है।
और उसके लिए जो बुधवार का दिन समर्पित होता है, बुधवार के दिन जो आप भगवान गणेश जी की पूजा उपासना करें, नीले रंग के वस्त्र धारण करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करें, मंदिर जाकर बांसुरी दान कर सकते हैं, मोर पंख घर पर लगा सकते हैं, घर पर आप बांसुरी भी रख सकते हैं, तो इससे भी जो है बुध मजबूत होता है। इसके अलावा बुध मंत्र का जाप कीजिए, गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं, इससे भी जो बुध मजबूत होता है। अगर बुध अस्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो जातक को शुभ कार्य में परेशानी आती है, उनके बने काम बिगड़ जाते हैं, या फिर उसमें बाधा आती है, या फिर उसमें समय लग जाता है। तो अगर आप मिथुन व कन्या राशि के जातक हैं, तो आप इन उपायों को अवश्य कीजिए। कन्या राशि में तो बुध उच्च के ही होते हैं और मिथुन राशि के स्वामी हैं। बुध को जो है ग्रहों का राजकुमार भी कहा गया है, तो बुध कन्या राशि में उच्च होते हैं और मीन राशि में नीच होते हैं। सूर्य शुक्र राहु के साथ इनकी दोस्ती है, चंद्रमा को ये अपना शत्रु मानते हैं। शनि मंगल गुरु और केतु के साथ इनका तटस्थ संबंध है, यानी कि इनसे इनको ना ही दोस्ती और ना ही वैर है। अगर बात करें बुध की, तो ये बुद्धि, वाणी, शिक्षा, शिक्षक, गणित, तर्क, यांत्रिकी, ज्योतिष, लेखाकार, आयुर्वेद, लेखन, प्रकाशन, रंगमंच एवं निजी आज व्यवसाय के कारक माने जाते हैं। यानी कि अगर आप कारोबारी हैं, तो बुध को अवश्य मजबूत करें। अगर बुध मजबूत है, तो फिर आपके निजी व्यवसाय में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। बुध अगर कमजोर है, तो फिर आपको कारोबार, कैरियर सभी में बाधा आ सकती है। इसके अलावा महिला पक्ष के साथ संबंध मधुर रखें। अगर भाभी, दीदी, मौसी, मामी, अगर कोई भी महिला पक्ष है, तो उनके साथ संबंध कटु बिल्कुल ना रखें। अगर इस प्रकार के संबंध रखते हैं, तो फिर आपको जीवन में परेशानी आ सकती है। मातृ पक्ष के सगे संबंधियों का प्रतिनिधित्व भी बुद्धि करते हैं। बुध मस्तिष्क, जीवा, स्नायु तंत्र, कंठ ग्रंथि, त्वचा, गर्दन आदि के भी प्रतिनिधि हैं। बुध के नकारात्मक प्रभाव से स्मरण शक्ति कमजोर होती है, त्वचा आदि के रोग उत्पन्न होते हैं, सिर दर्द होता है, तो इस चीज का आप अवश्य ख्याल रखें। 27 नक्षत्रों में जो है अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती, इन तीनों का ये स्वामी है। बुध के राशि परिवर्तन से भाव अनुसार से प्रभाव पड़ता है जातक पर। तो अगर आप मिथुन व बुध के कन्या राशि के जातक हैं, तो बुध को मजबूत करने के लिए जो है भगवान गणेश जी की पूजा उपासना अवश्य करें, नीले रंग के वस्त्र धारण करें बुधवार के दिन, साथ ही गाय को हरी चारा अवश्य खिलाएं। तो ये जो है आप उपाय अवश्य करें, इससे जो है बुध मजबूत हो। तो बुध का गोचर किसमें हो रहा है? तुला राशि में। तो तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। सिंह राशि में भी तुला राशि में ही जो है सूर्य का भी गोचर हो रहा है, तो इससे जो है तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा ही। इसके अलावा मिथुन राशि, कन्या राशि और अंतिम जो राशि है वो मेष राशि है। भाई इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से जानकारी देता हूँ। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं, तो आने वाले समय में यानी कि 18 दिनों में आपके रिश्ते तय होने के प्रबल योग हैं। खासकर राहु के गोचर से मीन राशि में जो है मेष राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। अगर आप मेष राशि के जातक हैं, तो पी आर नाम के जातक के साथ पर्ण सूत्र में बन सकते हैं। दिशा की बात करें, तो दक्षिण दिशा आपके लिए शुभ है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं, तो आपके लिए आने वाला महीना यानी कि नवंबर दिसंबर बहुत ही शुभ रहने वाला है। बुध का भी जो है शुभ प्रभाव आप पर अवश्य ही पड़ेगा। इसके अलावा जो है मिथुन राशि के जो भी जातक हैं, उनके ग्रहों के राजकुमार बुधदेव स्वामी हैं। इसके लिए मिथुन राशि के जातक के प्रबल योग बढ़ रहे हैं। बात करें दिशा की, तो उत्तर दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें नाम की, तो एच नाम के जातक के साथ और के नाम के जातक के साथ, इसके अलावा पी नाम के जातक, आर नाम के जातक के साथ पन्ने सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। अगर आप मिथुन राशि के जातक, कन्या राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है। कन्या राशि के जातक जो हैं, उनमें जो है शुक्र का भी गोचर अगले महीने होने वाला है 3 नवंबर को, और वर्तमान समय में चूंकि बुध कन्या राशि में हो चुके होते हैं, तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। इसके अलावा शुक्र का गोचर बुध 3 नवंबर को जो है कन्या राशि में होगा। कुल मिलाकर 27 दिनों तक जो है शुक्र कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। इसके चलते कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा और कन्या राशि के जातक के लिए यह शुभ फल प्राप्त करने वाला जैसा रहेगा। शुक्र के मजबूत रहने से कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा और आने वाले समय में यानी कि 27 दिनों में आपकी रिश्ते तय होने के प्रबल योग बने। बात करें दिशा की, तो उत्तर दिशा है। बात करें नाम अक्षर की, तो ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, डी नाम के जातक शामिल है अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो। इसके अलावा कन्या राशि, मिथुन राशि, मेष राशि और अंतिम जो राशि है वो तुला राशि है, तो तुला राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनेगा, क्योंकि तुला राशि के जातक में ही बुध का गोचर हो रहा है, सूर्य का गोचर हो रहा है, बुध आदित्य योग बन रहा है, तो इस राशि के जातक को तो सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। इस राशि के जातक को सभी क्षेत्रों में विशेष लाभ प्राप्त होगा, साथ ही इनके बिगड़े काम भी बन जाएंगे, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। इसके अलावा कारोबार करियर में भी मन मुताबिक सफलता मिलेगी। तो अगर आप तुला राशि के जातक हैं, तो दक्षिण और पूर्व दिशा में योग बन रहे हैं। बात करें नाम की, तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक शामिल है इसमें।
और इनमें से किसी एक जातक के साथ अपने सूत्र में बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको मैंने बुध की राशि परिवर्तन से उन चार राशियों के बारे में जानकारी दी है जिनके 18 दिनों में तय हो सकते हैं, आने वाले दिवाली तक उनकी सगाई हो सकती है और नवंबर के महीने में जो है इनके लिए शुभ योग बनेगा, खासकर कन्या राशि के जातक, तुला राशि के। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधेश्वर, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहेगुरु। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी के असीम के पाप पर बरसती रहे, परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे। जय श्री राधे।